हाजिर हूँ मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 1320 लोगों का हुसैनाबाद में भरा गया फॉर्म। वर्तमान विधायक हुसैनाबाद के कमलेश कुमार सिंह ने किया उद्घाटन, दीप प्रज्वलित करते हुए क्षणों को आप देख सकते हैं। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्लामू दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कौशल मेला सह मोबिलाइजेशन कैंप का आयोजन प्रखंड मिशन प्रबंधन इकाई हुसैनाबाद के तत्वाधान में किया गया। आगे बहुत कुछ दिखाने से पहले हम लिए चलते हैं आपको क्यूज कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची से आए हुए रविचंद्रा के पास। फॉर्म भरना है, हम जानना चाहते कितने दिन मतलब ट्रेनिंग देंगे, हमको कैसा सुविधा मिलेगा ये सब, और आगे जाके क्या मतलब हम लोगों के लिए इसका फायदा क्या होगा आने वाले भविष्य में। हाँ, आप कहाँ से आए हुए? हम बड़ेपुर से आए हुए हैं। हमें जानना चाहते हैं कि अस्थाई जॉब है या फिर अस्थाई जॉब है। सर, अब आपने लोगों का सवाल सुना, उसके ऊपर इनको सार्थक जवाब जी दे। दीदी ने कहा कि मुझे ब्यूटिशियन करना है, तो ब्यूटिशियन में हम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है वो 6 महीने की ट्रेनिंग है। उनको वहीं रहना होगा, वहीं रहना खाना कॉपी किताब कलम सारा चीज़ उनको व्यवस्था दी जाएगी, और ये रांची में रह के ट्रेनिंग करेंगी। और जो भी सुविधाएं हैं उनको, अगर बीच में अगर छुट्टी लेने की आवश्यकता होता, क्या है कि हमारे यहाँ जो लेडीज काम सीखना चाहती हैं तो उनके साथ थोड़े बच्चे भी होते हैं, तो थोड़ा परेशानियाँ होती हैं, तो अगर उनके बच्चे अगर उनके घर पर रह सकते हैं तो उन माताओं को हम लोग प्रांत में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उसमें हम आपको रहने खाने की व्यवस्था देते हैं, कपड़े की व्यवस्था देते हैं, लेकिन वहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग, हमारे जो 6 महीने की ट्रेनिंग है इसमें आपको 4 महीने की ट्रेनिंग होगी क्लासरूम ट्रेनिंग, और 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। जो हम लोगों ने सिखाएंगे वो आपको बाहर में काम करना होगा, जो आपको आने वाले समय में आपको रोजगार से जोड़ के रखेगा। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से स्वागत किया गया हमारे कमलेश कुमार सिंह का और आए हुए उनके कार्यक्रम में अतिथियों का। इस अवसर पर कमलेश कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। आगे बढ़े, आज उसी कड़ी में यह कार्यक्रम है जो आपके बीच कौशल विकास कार्यक्रम का जो हुसैनाबाद में आयोजन किया गया है, इसमें हमारे बहुत सा बहन हैं जो कि शिक्षा ले सकते हैं, अपना कार्य करने की जो क्षमता है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक आप लोग को नामांकन लिया जा रहा है। 12,000 महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं जो कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। बहुत अच्छा बात है, और हम लोग भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का जितना भी अधिक से अधिक, अभी हम पूछ रहे थे नवल जी से कि इसका आगे की क्या योजना है और हमारा जो प्रखंड है उसमें कैसे कार्यक्रम आप दे रहे हैं, तो हमें जानकारी मिली कि 17 तारीख को हैदरनगर में भी है। ठीक है, आत्मनिर्भर बने, हमारी भी शुभकामना है कि आपके द्वारा जो यह ट्रेनिंग आप लोग प्राप्त कर रही हैं अपने गांव में दूसरे को भी इससे अपना शिक्षा का लाभ दिलाएं, जिससे कि हमारा गांव जो है प्रगति के रास्ते पर अग्रणी हो। चूँकि कार्यक्रम अभी लंबा है और हमारा प्रयास है कि बराबर इस तरीका का कार्यक्रम होते रहे
जिससे विकास की रोशनी हर गांव स्तर तक पहुंचे। जहां पर ऐसे भी बहुत जगह भी हमारा है, जैसे कि मोहडर देखिए, अति उग्रवादी क्षेत्र है। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ आरबीसी पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बजा दीजिए एक घंटी।